नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ममता लोहानी है और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं अपनी कमिंग वीडियो में योगा के ऐसे 3 आसान आसन आपको बताऊंगी जो कि आपको शारीरिक रूप से मजबूत तो बनाएगा ही, साथ ही साथ आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी दूर करेगा। तो आज हम योगा के ऐसे 3 आसान आसन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि सुबह का भोजन हीरे के समान उत्तम होता है और रात का भोजन पीड़ा के समान होता है, तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि इंसान को सुबह अच्छा भोजन, दिन में कम भोजन और रात को कम से कम भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। रेज फीट पोज यानी कि उत्तान पादासन। सामान्य अवस्था में जमीन में लेते हुए दोनों हाथों को अपनी थाई के क्लोज लाना है। बॉडी को स्ट्रेच करते हुए लंबी सांस लेते हुए दोनों पैरों को मिलाकर 30 डिग्री के एंगल पर होल्ड करना है। नीज को स्ट्रेच करना है। उत्तान पादासन थायराइड, गैस, शुगर, बैड डाइजेशन, बॉडी वीकनेस और टेंशन के पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। उत्तान पादासन, यह शब्द उत्तान यानी कि खिंचा हुआ और पद अर्थात पैर से मिलकर बना हुआ है। इस आसन को आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं और 1 से 2 मिनट की अवधि तक लगातार कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन पर लेके आएंगे, धीरे धीरे सांस सामान्य अवस्था से लेंगे और ऊपर वापस आते हुए शरीर को आराम देंगे। शोल्डर पोज यानी कि कंधरासन। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लेटते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर लाएंगे। अपनी हथेली से अपने पंजों को पकड़ते हुए वापस जमीन में प्लेस करेंगे। लंबी सांस लेते हुए अपने बैक पार्ट को हवा में उठाएंगे। आपके पैर और आपके कंधे जमीन पर होंगे। शोल्डर पोज चेस्ट पेन और शोल्डर पेन के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये हमारी चेस्ट और शोल्डर्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही साथ नेक पेन और नीज पेन को भी ठीक करता है। धीरे धीरे नीज को होल्ड करते हुए वापस सामान्य अवस्था में आएंगे। बिग टो पोज यानी कि पाद अंगुष्ठ नाशाश्वर आसन। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लेटते हुए दोनों पंजों को उठाकर आपस में मिलाते हुए हाथों और पैरों के अंगूठों को आपस में जोड़कर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपने अंगूठों को नोज में टच करना है। इस आसन को आप 2 से 3 बार 1 से 2 मिनट के लिए दोहरा सकते हैं। यह थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और कम नींद आने वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। यह आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे लंग्स को, किडनी को, लीवर को एक्टिवेट करता है। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में वापस आएं, नॉर्मल सांस लें और शरीर को आराम दें। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी जो कि हमारे पेट संबंधी बीमारियों से हमें मुक्त कर सकती है। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।